की नौकरानी होकर ठाकुरों से बगावत करेगी तू? उठा भोजन हो जाता। ठाकुर साहब, अरे क्या विक्रम सिंह की तमन्ना नहीं पूरी होगी? विक्रम सिंह व बहादुर सिंह, अब तुम दोनों खड़े होकर मेरा मुख क्या देखते हो? ये गीता हराम जादी मेरी हवेली तक नहीं पहुंचना चाहिए। उठा लो साली को। गीता, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद न कर दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर प्रताप सिंह है। ठाकुर विक्रम सिंह तुझे प्रताप सिंह की हमले भोजन नहीं देगा, नहीं भोजन देगा। अरे यार बहुत टाइम हो गया है, और भी मैं सांस नहीं भेजूंगा तो मलकिन बहुत नाराज होगी। ठीक है चलता हूँ यार। क्या बात यार? भैया, अरे घबरा नहीं जा रहा, क्या बात? भैया बड़ा बुरा हो रहा है। क्या कहे भैया? यार यार वो जो जिम्मेदार है ना, वो कौन जिम्मेदार? प्रताप सिंह का आदमी। प्रताप सिंह के आदमी, क्या बात? अरे यार वो भैया, तुम भैंस दिन भर न चरो, वो जो प्रताप सिंह के आदमी है वो गीता मुन्नी के हैं, बिल्कुल रपटाए हैं। अरे बकवास करते यार, ऐसा कहाँ हो सकता है? तुम जाओ उनका बचाओ, जाओ हम देखे, हम भाई तुम्हारी चराई थी। ये बात सच है? हाँ भैया, तुम जाओ जल्दी से जाओ। और ये बात सच है? तुम अकेलता हो, कौन सा हराम ज्यादा है जो गीता चलता है? मैं जा रहा भैया, मैं जा रहा। बहादुर पीछे विक्रम सिंह के पंजे से बरकत जाएगी। गीता खेता, आज तेरी इज्जत से खेलूंगा। विक्रम सिंह, जब तक तेरी इज्जत, तेरी छत, कसम करके कि तुझे कोई नहीं बचा सकता है। यार, 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 यार
चुपचाप निकले वरना सोच लो हमका ना मारो यार तुम्हें का तू कौन है अपने तुमसे कहना भाई से काम का भैया पता नहीं कहां गए और लोग पीछे देख ही जा तो हमें सही लाग अरे भैया भैया लड़ जा यार रे लो तुम जाओ यार चलित है जा सकते भैया चलित है जा ना गीता तू यहाँ बैठे दामू मैं खाना लेकर आई थी ठाकुर साहब की लेकिन यहाँ पर ये दरिंदे ठाकुर साहब के साथी लोग आ गए क्या बहादुर सिंह और ये विक्रम सिंह और ये प्रताप सिंह है तीनों मिलकर मेरी इज्जत आबरू लूटना चाहते हैं ना गीता इसके मतलब ये सारी चाल ठाकुर प्रताप सिंह की है नहीं मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ तो काम कर दो नहीं तो ठाकुर के घर काम कर दो काम कर दो नहीं तो ठाकुर के घर आज से ना खर्चा और खाक कहता हूँ मैं अब प्रभु की कसम खाक कहता हूँ मैं अब प्रभु की कसम उम्र भरता तेरा निभाऊं मैं खाक कहता हूँ तुझे कुछ हो जाएगा और तुझे कुछ हो जाता तो रामू सहन नहीं करता था आराम और तेरे से हमने हाय कौन गीता लेकिन रामू क्या बात है तुम तो कहते ठाकुर के घर काम करने नहीं जाना हाँ लेकिन हम लोग मुन्ने को कैसे पढ़ाएंगे लगी गीता तुम चिंता मत करो मैं ठाकुर प्रताप के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे बल्कि हम लोग कोई दूसरी नौकरी तलाश करेंगे ठीक है रामू चलो गीता चलो चलते हैं अरे अरे अग्नि तो रो रही ना ऐसा मत गीता नहीं ए और साथी तेरा पूजा है तेरे सिवा का मेरा पूजा है बहादुर गीता को लेकर नहीं आए ठीक है मैं उसका इंतजार कहो दोस्त विक्रम सिंह गीता कहाँ है दोस्त ये मत पूछिए कि गीता कहाँ है अर्जुन सर हमने जैसे गीता को हमने अपने बाहों में दबोचा तो अरे उसी समय वो साला मेरे
हवेली पर काम करने वाला वहाँ आ गया। और ये साला इतना बांस हमारे शरीर पे मारा, अपने लेके साले गधा का पीट रहा है। ये बताओ रामू अकेला थे और कोई था उसके साथ? अरे हाँ, वो अकेला था, अकेला था, वो अकेला था। और तुम दो 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 थे, दो वो अकेला था और तुम दो, फिर भी तुम लोगों के पंजे से गीता को लेकर चला गया। बड़े शर्म की बात है, तुम लोग तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। बड़ा बलवान था, अरे बहुत मारा कसम पर मिट गई। ऐसे जगह मारा कि मेरे सारे बुल्ट ढीले हो गए कसम पर मिट गए। तो ठीक है, अब जाओ, तुम लोग का काम नहीं बनेगा। आप हमारे दोस्त हैं। देखो मार खाए कहा ऐसे मारी सो यहाँ नहीं क्या कहते हो रामलाल? दोस्त विक्रम सिंह व बहादुर सिंह, अब काम बनेगा दोस्त। और जब तक गीता से मेरा काम नहीं बनता है दोस्त, तब तक ये विक्रम सिंह के दिल को तसल्ली नहीं आएगी। चिंता मत करो दोस्त। अरे आप हमारे दोस्त हैं, क्या अपने दोस्त का तमन्ना पूरी नहीं करोगे दोस्त? दोस्त विक्रम सिंह काम बनेगा, लेकिन अब तुम लोग को मेरे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। अब बताऊंगा दोस्त, अब बताऊंगा आपके काम में, मैं अब सब बताऊंगा। तो दोस्त विक्रम सिंह तुम मेरी एक नाल लाइसेंस बंदूक लो और कुछ जेवरात व कपड़े ले जाकर साले रमुआ की झोपड़ी में छुपा दो। मैं अवश्य काम करूंगा, क्योंकि वो साला रमुआ ऐसा भैंस हमारे ऊपर मारा है। मैं अवश्य उसके मकान पे ले जाऊंगा। अच्छा जा दो, जा रहा हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ, ले जा दो। अब बहादुर सिंह तुम इसी वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। बहुत अच्छी बात है, कसम पर बैठ के आओ मेरे साथ। नमस्कार, ये बताइए हवलदार कहाँ है? हवलदार हम झाड़े फिर का हुआ चले गए। झाड़े फिर रहा है, हम कहीं हवलदार से साथे चलो, कहीं रुके रहते मिनट, हम अब पीछे। ओ ठीक है, आने दो। सत्य है, जय झाड़े फिर रहे थे नहीं साहब, तरती कर रहे थे। बट तभी कहीं के तुम सब के सब बेकूफ हो। नहीं साहब, बाथरूम में टट्टी करते रहे। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? टट्टी फिर रहा था, बाथरूम कर रहा था, क्या कर रहा था? बकवास करता है जी साहब। देखो कोई आवाज दे रहा, कौन है रे? साहेब, ओ ठाकुर साहब आ रहे हैं। बोल दो कि चले आओ। चले आओ, चले आओ, चले आओ। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर। ये बताइए ये कौन है तुम्हारे साथ में? ये मेरा दोस्त बहादुर सिंह है। ये तुम्हारा दोस्त बहादुर सिंह है, समझा दो इसे। मैंने तुमसे कहा था पुलिस स्टेशन चलना, शराब की बोतली मत लेकर चलना है। ठाकुर साहब तुम तो जानते हो, अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा कसम परमिट की बहुत जल्दी मर जाऊंगा। और इससे जाकर गेट के बाहर रखा हो वरना 200 लठ लगा कर अंदर करेंगे। साहब ऐसे ऐसे आदमी साथ में लेकर के आते हो? साहब मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया साहब। मुसीबत में? हाँ साहब। ऐसी कौन सी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ गई? जरूर बतलाऊंगा साहब, बोलिए। तो हुई आज की रात है चोरी भारी,
है दल तारिशा हर तुम्हारी किया चोरी गीता नाम की एक लड़की गीता हाँ साहब मेरी हवेली में गीता नाम की लड़की ने चोरी किया है। किया चोरी गीता नाम की एक लड़की अब रपट निकले सा अब तुम इस दम हमारी ये बात ठीक है। हाँ सर। और करूँ हर तरह से मदद मैं तुम्हारी नहीं मुझे मदद करेंगे। बोलिए तुम्हारी हवेली में चोरी हुई क्या क्या नुकसान हुआ? ठीक है साहब। यार कितना समझा कर तुम्हें लाया था फिर भी यार। अरे ठाकुर साहब ज्यादा हो गई कसम पर मिट के आज ज्यादा हो अरे यार चुप रहो यार। कसम परमिट में तेरी वर्दी उतरवा यहाँ पर। आपकी वर्दी चल रही है ठाकुर साहब। भौसड़ा के थाने में हो। कसम परमिट में तुम्हारी दोस्ती। अरे यार भाई तेरी ये थाना है कितनी बार बहादुर कितनी बार मैंने तुम्हें समझा था कि शराब पीकर पुलिस स्टेशन मत चलना। अरे सब बना बना खेल बिगड़ जाएगा तुम्हें गीता चाहिए इसकी नानी की ननिहौरी है। अब चुपचाप जो जो सामान चोरी में गया है लिखवा दो। फालतू बात इन लोगों से मत करना वरना साले उल्टे जेल में सजा काटोगे। और लाजिस्टर लावा अबे पैरों तो बाहर है तुम साले कहना होगा लाजिस्टर लाजिस्टर एक मुझे मारता चौकीदार अबे चौकीदार पीछे गेट आउट छौकी दाल छौकी दाल नहीं बघारी दाल ये चोरी का माल ये हवलदार लिखेगा ये कितना पढ़ा है इतना छाप अबे साले कसम परमिट की पुस्तक तुझे ये पढ़े लिखे नहीं है। एक काम करो ये थाना है तुम्हारे बाप का घर नहीं है भौसड़ी के तेल लगा के अंदर कर दूंगा। ये थाना है ये तुम्हारा घर नहीं है भौसड़ा वाले दस साले चौकीदार पाछे हटो। आपका नाम? हवादार। हवादार ने भौसड़ी के मेरा नाम तमीज से नाम लियो ने तेल लगा के मेरा नाम बहादुर से
तुम्हारा नाम है राम बहादुर सिंह। राम बहादुर नहीं, राम भरोसा साला निकलेगा। ठाकुर बहादुर सिंह। बहादुर सिंह तुम्हारे पापा पिताजी का नाम? मेरे पिता का नाम बलवंत सिंह। बलवंत सिंह। हाँ हाँ। तुम्हारी मम्मी का नाम? साला तुम्हारी टट्टी का नाम? परमिट की साला क्या पूछ रहा? मम्मी का नाम बड़े साहब बोल दिया टाल लिख रहा। माँ का नाम लिखा जाता है? निशा बोल दिया तो माँ का ही लिखा जाता है। दिमाग खराब हो गया तेरा। राशन कार्ड में साहब मेहरून के नाम जी सॉरी सर। और उनका क्या नाम है? उनका बुला ठाकुर प्रताप सिंह। क्या नाम है तुम्हारा? ठाकुर प्रताप सिंह नाम है मेरा। ठाकुर प्रताप सिंह है नाम तुम्हारा? ठाकुर प्रताप सिंह। बाप का नाम? ठाकुर गजराज सिंह। कहा सबने ठाकुर के ला गया होगा? क्या बकवास करता है? मतलब ठाकुर साले हवलदार औकात में रह के बात कर। ठाकुर विक्रम सिंह। ठाकुर। और ये बताइए